हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें, ये बनारस के कैंट रेलवे स्टेशन का फ्रेंड्स वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे जितने भी आने वाली वीडियो रहेंगे फ्रेंड्स आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि बनारस एक काफ़ी ओल्ड सिटी है, यानी कि पुराना शहर है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बता दें कि सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आपको कैंट रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। और आपको ख़ास बात बता दें कि फ्रेंड्स, यहाँ पर ही फॉरेनर लोग काफ़ी मात्रा में, यानी सबसे ज़्यादा आते हैं। इसके बाद आपको मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा। वैसे तो बनारस में कई सारे रेलवे स्टेशन हैं फ्रेंड्स, लेकिन सबसे व्यस्त और खूबसूरत रेलवे स्टेशन आपको कैंट रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। सबसे खास बात आपको बता दें फ्रेंड्स कि सामने देख सकते हैं कि अभी कैंट रेलवे स्टेशन के ठीक सामने का ये नज़ारा है, और सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है, जो कि इसी में कुछ लोग दबकर मर गए थे, यानी कि डेथ हो गया था उनका। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं थोड़े आगे और बताते हैं कुछ नई बातें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये रास्ता है मेन कैंट रेलवे स्टेशन की तरफ जाने का। तो फ्रेंड्स, चलते हैं। फ्रेंड्स, आपको सबसे ख़ास बात बता दें कि कैंट रेलवे स्टेशन इस समय रिपेयर हो रहा है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पर एक सामने देख सकते हैं गुंबद जैसा एक बन रहा है। यहाँ पे और भी कई तरह के कार्य हो रहे हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म 10 और 11 का निर्माण कार्य चल रहा है। अभी हम दिखाते हैं आपको इस वीडियो में। पहले की अपेक्षा काफ़ी कुछ यहाँ पे बदल गया है, और लगातार यहाँ पे रिपेयर वगैरह किया जा रहा है और न्यू प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे रेलवे टिकट तथा अन्य सुविधाएँ आपको पहले नहीं मिलती थी, जैसे कि अब काफ़ी कुछ बदल गया है। तो फ्रेंड्स, सामने देख सकते हैं ये अंडरग्राउंड आपको नाली वगैरह देखने को मिलेगी। और फ्रेंड्स, सामने देख सकते हैं कि पहले काफ़ी ओल्ड लगता था, अब काफ़ी न्यू लग रहा है, क्योंकि रंग रोगन हो गया है। सामने देख सकते हैं बांस वगैरह लगे हुए हैं। ये प्लेटफॉर्म 10 तथा 11 है। अभी हम आपको पास जाकर दिखाएंगे, उससे पहले इधर का नज़ारा आप देख लीजिए। सामने देख सकते हैं पहले ऐसा रंग यानी कि पेंट वगैरह नहीं किया गया था, जो कि अभी बनाया गया है। और देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है फ्रेंड्स, कोविड-19, और भी न्यू ईयर है, तो इस समय काफ़ी कम यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, नहीं तो इसके पहले काफ़ी यहाँ पर भीड़ आती थी। और सबसे ख़ास मैं बता दें फ्रेंड्स कि अभी यहाँ पर फॉरेनर लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों में यहाँ पर आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा अच्छा कार्य हुआ है हमारे बनारस में। 4 लेन 6 लेन तथा कई तरह के ब्रिज, पार्क आदि चीज़ बनाए गए हैं। सामने देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैरिकेडिंग की गई है बांस से, यहाँ पे कोई जा और आ ना सके। देख सकते हैं प्लास्टिक वगैरह भी लगाए गए हैं कि यहाँ पे नहीं जाना है। सामने देख सकते हैं कि ये गुंबज बन रहा है, रिपेयर हो रहा है। ये प्लेटफॉर्म 10 तथा 11 है फ्रेंड्स। सामने देख सकते हैं ये टंकी है, जिसपे बनारस के ही कुछ चित्र इसपे दर्शाए गए हैं, लगाए गए हैं। सामने देख सकते हैं कि सूचना देने के लिए तथा टिकट बुक करने के लिए कई सुविधाएं हैं। देख सकते हैं चारों तरफ पानी है, ये इसलिए है फ्रेंड क्योंकि अभी कार्य चल रहा है, और यहीं से पानी होकर नीचे जा रहा है, यानी कि चारों तरफ फैल रहा है। कुछ ही दिनों में यह सब सही हो जाएगा फ्रेंड्स। और सबसे ख़ास बात बता दें कि यह पहले नहीं था फ्रेंड, सामने देख रहे हैं वो टिकट काउंटर वगैरह इस तरह का, इधर कुछ भी नहीं था। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को,
और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, इससे जितनी भी आने वाली वीडियो रहेंगी आपको सबसे पहले आपके चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। थैंक फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।